जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब और आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आपके पास पंजाब नेशनल बैंक का प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला एटीएम डेबिट कार्ड है या फिर आप नया डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आज के वीडियो कंप्लीट जरूर देखें। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ पंजाब नेशनल बैंक जनधन रुपे डेबिट कार्ड की न्यू चार्जेस, बेनिफिट्स और लिमिट के बारे में। और आगे वीडियो में दोस्तों इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे, कौन कौन इस जनधन वाले डेबिट कार्ड को ले सकते हैं, कितने दिन में आपके पास ये डेबिट कार्ड पहुंच जाता है। तो पूरी कंप्लीट डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप आप बिल्कुल भी ना करें। हेलो गाइस, मैं हूं राहुल वर्मा, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल सीजे बॉय में। सीधी बात नो बकवास, तो चलिए कुछ नया जाने। दोस्तों पीएनबी का जनधन रुपे डेबिट कार्ड सिर्फ प्रधानमंत्री जनधन सेविंग अकाउंट में मिलता है। ये डेबिट कार्ड पीएनबी के नॉर्मल और रेगुलर सेविंग अकाउंट में नहीं मिलता है। यानी कि दोस्तों जब आप प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अपना सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं तभी आपको ये डेबिट कार्ड दिया जाता है। आप पीएनबी के किसी भी सेविंग अकाउंट में ये डेबिट कार्ड को नहीं ले सकते, केवल आप प्रधानमंत्री जनधन योजना स्कीम के अंतर्गत इस डेबिट कार्ड को ले सकते हैं। दोस्तों अकाउंट ओपन कराने के लगभग 20 दिन के अंदर में ये डेबिट कार्ड आपके पास इंडियन पोस्ट के जरिए में भेज दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों इस डेबिट कार्ड की लिमिट, चार्जेस और बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों इस जनधन रुपे डेबिट कार्ड का डेली एटीएम विड्रॉल लिमिट 25,000 रुपए है। इस डेबिट कार्ड के थ्रू आप किसी भी बैंक के एटीएम मशीन में जा करके 25,000 रुपए तक का कैश विड्रॉल पर डे आप कर सकते हैं। दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम मशीन में जा करके आप एक बार में 20,000 रुपए तक का कैश विड्रॉल कर सकते हैं और अदर बैंक के एटीएम मशीन में जैसे कि एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सारे एटीएम मशीन में जा करके एक बार में आप केवल 10,000 रुपए ही निकाल सकते हैं। दोस्तों इस डेबिट कार्ड का डेली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लिमिट 60,000 रुपए है। एक दिन में आप इस डेबिट कार्ड के थ्रू 60,000 रुपए तक का शॉपिंग या फिर ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। दोस्तों इस जनधन रुपे डेबिट कार्ड का इश्यू चार्जेस और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस दोनों ही नील है, यानी कि जीरो है। आपको इस डेबिट कार्ड का कोई भी चार्जेस देना नहीं पड़ता। ये डेबिट कार्ड आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना स्कीम के अंतर्गत आपको मिला है, इसलिए आपको इस डेबिट कार्ड का कोई भी चार्जेस देना नहीं पड़ता। बाकी दूसरे डेबिट कार्ड का यहाँ पर आपको इश्यू और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस दोनों ही देने होते हैं, लेकिन इस जनधन रुपे डेबिट कार्ड का कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इस डेबिट कार्ड में रिप्लेसमेंट चार्जेस अवेलेबल है, जैसे कि आपका डेबिट कार्ड गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है या फिर टूट जाता है, और अगर आप दूसरा डेबिट कार्ड प्रधानमंत्री जनधन योजना स्कीम के अंतर्गत लेते हैं तब आपको रिप्लेसमेंट चार्जेस देना होता है। दोस्तों इस प्रधानमंत्री जनधन योजना वाले डेबिट कार्ड का रिप्लेसमेंट चार्जेस 150 रुपए है, प्लस 18% जीएसटी मिला के टोटल इसका चार्ज 177 रुपए होता है। अगर आप दोबारा इस डेबिट कार्ड को लेना चाहते हैं तब आपको यहां पर 177 रुपए का चार्जेस देना पड़ेगा। दोस्तों इस जनधन रुपे डेबिट कार्ड के थ्रू आप फोन पे, गूगल पे बना सकते हैं, यानी कि अपना यूपीआई आप चला सकते हैं, और इस डेबिट कार्ड के थ्रू आप कोई भी पेमेंट यहां पर कर सकते हैं, जैसे कि आप शॉपिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। लेकिन यहां पर दोस्तों ये डेबिट कार्ड डोमेस्टिक डेबिट कार्ड है, इसलिए आप इस डेबिट कार्ड को इंडिया के बाहर यूज नहीं कर सकते। आप इस डेबिट कार्ड को केवल इंडिया के अंदर ही यूज कर सकते हैं, कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट आप इस डेबिट कार्ड के थ्रू नहीं कर सकते। दोस्तों इस जनधन रुपे डेबिट कार्ड में 2,00,000 रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलता है। भगवान न करे अगर कल को आपका एक्सीडेंट के दौरान मृत्यु हो जाता है तो वहां पर आपके घर वालों को इस डेबिट कार्ड के थ्रू 2,00,000 रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। और दोस्तों इस डेबिट कार्ड का लिमिट तो आपको बहुत कम मिलता है, लेकिन यहाँ पर बेनिफिट की बात करें तो इस डेबिट कार्ड में आपको चार्जेस भी देना नहीं पड़ता। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा बेस्ट डेबिट कार्ड हो सकता है। अगर आप ज्यादा लिमिट वाले डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आप रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड को ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी इस डेबिट कार्ड को लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपके पास प्रधानमंत्री जनधन योजना स्कीम के अंतर्गत अपना सेविंग अकाउंट होना चाहिए, तभी आप इस डेबिट कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों अगर आप अपने सेविंग अकाउंट को जनधन सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो आप अपने ब्रांच में जाकर के इंक्वायरी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, और आगे भी आप ऐसे ही नए नए वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेट करके रख दे। दोस्तों हमारे इस चैनल पर आपको बैंकिंग और गवर्नमेंट से रिलेटेड नए नए वीडियोस देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।